गाइज वेलकम टू माय चैनल ब्लड थर्स्ट गेमर्स। तो गाइज आज हम दिखाने वाले हैं आपको कैसे ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर बनाना है। तो गाइज पहला स्टेप है ऐसे दो पिस्टन लगाने ए चाहिए आपको, ऐसे दो पिस्टन लगाने पड़ेंगे स्टिकी पिस्टन, फिर इस साइड में भी दो स्टिकी पिस्टन। तो गाइज मैंने कुछ गड़बड़ कर दी लगता है। और स्टिकी पिस्टन के सामने ऐसे दो ग्लास, कोई भी ग्लास लगा सकते हो या कोई भी ब्लॉक भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। फिर स्टिकी पिस्टन के पीछे एक ब्लॉक, ऊपर वाले स्टिकी पिस्टन के पीछे कोई भी ब्लॉक लगा सकते हो आप। फिर इसके नीचे एक इलेक्ट्रियम का टॉर्च, माइनक्राफ्ट में इसको रेडस्टोन टॉर्च ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं। तो गाइस पहले आपको ऐसे बनाना है, देख लो ऐसे आपको बनाना है। तो गाइस चलते हैं इसके बाद के स्टेप की ओर। तो गाइस आपको ऐसे मिट्टी खोदना है। तो गाइस देख लो कैसे खोदना है, से, से, से। तो गाइस ऐसे आपको मिट्टी खोदना है और इस वाले जगह को थोड़ा ज्यादा खोदना है। देखो ऐसे एक लेयर डीप खोदना है। तो गाइस ऐसे हमने खोद दिया, अब हमें इलेक्ट्रियम लगाना है यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रियम लगा देना है। इलेक्ट्रियम को माइनक्राफ्ट में रेडस्टोन कहते हैं। तो गाइस ये तो हो गया। तो गाइस अब आपको इसको कवर करना है, पूरा कवर मैं अब नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। तो गाइस पहले अब प्रेशर प्लेट लेना है आपको, तो गाइस मैंने वुडन प्रेशर प्लेट ले लिया। तो गाइस अब देखो मैं गया तो दरवाजा खुल गया। तो गाइस ये कंप्लीट करते हैं चलो। तो गाइस अब इसको हाइट करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस ऐसे आपको कोई भी ब्लॉक से इनको हाइट करना पड़ेगा, नहीं तो गाइस बहुत बकवास लगता है देखने। तो गाइस मैं इसको फटाफट हाइट कर देता हूँ। आप अलग ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हो, उससे अच्छा लगता है देखने के लिए। तो गाइस देखो ऐसे ये आपको हाइट कर लेना है और ऐसे भी आपको कुछ ब्लॉक्स लगा देना है। तो गाइस रुको रुको हो गया। तो गाइस अब देखो एकदम परफेक्ट लग रहा है, हम गए तो ये खुल गया। पर गाइस रुको रुको अभी भी ट्यूटोरियल कंप्लीट नहीं हुआ, इस साइड ये वाला साइड तो बाकी है। तो गाइस चलो ये वाले साइड को कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट करके। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे उस साइड की तरह ही खोद लो, इस साइड यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा खोद लो एक लेयर डीप, और अब इलेक्ट्रियम लगा दो ऐसे, या रेडस्टोन भी कह सकते हो आप। तो गाइस लगाने के बाद इसको कवर कर दो ऐसे। तो गाइस कवर करने के बाद आप अब इसको आप जैसे ही चाहो ढक दो, ये दिखाई नहीं देना चाहिए, दिखाई दे दिया तो बहुत गंदा लगता है देखने का। तो गाइस हम इसको प्रॉपरली ढक देते हैं। तो गाइस ये तो हो गया ये साइड। तो गाइस आप करते ये वाला साइड। तो गाइस हो गया हमारा ट्यूटोरियल। तो गाइस अब दिखाते हैं लाइव टेस्टिंग। तो हेलो गाइस, तो हम आपसे रियल एम क्राफ्ट जो गेम है, जो माइनक्राफ्ट का सिमिलर गेम है, उसका हम आज से ट्यूटोरियल देने वाले हैं। तो गाइस पहला ट्यूटोरियल होगा हमारा पासवर्ड डोर।
तो गाइज उसका ही हम दिखाने वाले हैं, पासवर्ड डोर का फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसा लगेगा देखने का। तो गाइज वही दिखाते हैं। तो गाइज यही हमारा पासवर्ड डोर है। तो गाइज मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। तो गाइज देखो, मैंने पासवर्ड दे दिया और दरवाज़ा खुल गया। पर अगर मैं गलत पासवर्ड दूंगा तो देखो दरवाज़ा खुल नहीं रहा। तो गाइज यही है हमारा पासवर्ड डोर का ट्यूटोरियल। तो गाइज ये ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा, मैं ये ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आऊँगा। तो गाइज देखो हमारा दरवाज़ा ऐसा लगेगा देखने के लिए। तो गाइज आप चलो टेस्टिंग करते हैं। तो गाइज हम चलते हैं। देखो दरवाज़ा खुल गया, हम चले आए। ओहो मैं एक भूल गया, प्रेशर प्लेट इस साइड में ही लगाना पड़ेगा। तो गाइज हमने प्रेशर प्लेट लगा दिया, थोड़ा सा सामने लगा दिया। तो गाइज इस साइड में प्रेशर प्लेट लगा दिया। भाई काम क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया? तो गाइज अब देखो ये खुल गया, हम चले आए और इस साइड से आ गया, हम चले आए। तो गाइज एक बार थर्ड पर्सन व्यू से मैं दिखा देता हूँ। तो गाइज ये रहा थर्ड पर्सन व्यू। तो गाइज हम चलते ही, ये लो दरवाज़ा खुल गया, हम इस पार्ट चले आए। तो गाइज ऐसे खुल गया तो हम इस पार चले आए। तो गाइज यही है हमारा ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर। तो गाइज ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और भी ऐसी ट्यूटोरियल्स के लिए। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।